तक दर्शकों के दिलों पर राज करने वाली वैजयंती माला एक मंची हुई अभिनेत्री होने के साथ साथ एक बेहतरीन डांसर भी रही हैं। वे भरतनाट्यम की डांसर, कर्नाटक शैली की सिंगर और डांस टीचर भी रही हैं। एक बार वैजयंती को निमोनिया हो गया था, जिसका उपचार डॉक्टर बाली कर रहे थे। बाली भी अभिनेत्री के प्रशंसकों में से एक थे। वैजयंती का उपचार करते करते दोनों में प्यार हो गया और 10 मार्च 1968 को दोनों शादी के बंधन में बंध गए। देवदास, नागिन, मधुमती, गंगा जमुना, संगम, आम्रपाली, सूरज, ज्वेल थीफ, नया दौर, प्रिंस, संघर्ष और साथी, इन सभी फिल्मों में अभिनेत्री वैजयंती माला ने मुख्य लीड रोल यानी कि अभिनेत्री की हीरोइन की भूमिका निभाई थी। 46 साल की हो गई है वैजयंती माला। जब वो राज कपूर के साथ फिल्म में काम कर रही थी तो उनका नाम उनके साथ जुड़ गया था, जिसकी वजह से राज कपूर की पत्नी कृष्णा घर छोड़कर चली गई थी। वैजयंती माला 50 से 60 के दशक की एक बेहतरीन एक्ट्रेस थी। एक जमाने में डायरेक्टर्स उन्हें अपनी फिल्मों में कास्ट करने के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते थे। वैजयंती माला ने 13 साल की उम्र में तमिल फिल्म से अपना करियर शुरू किया, जिसके बाद उन्होंने आशा, नया दौर, साधना, मधुमती जैसी बेहतरीन फिल्में इंडस्ट्री को दी। उन्हें बेहतरीन एक्टिंग के लिए 5 फिल्म फेयर अवार्ड से भी नवाजा जा चुका था। साथ ही भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री अवार्ड से भी सम्मानित किया है। अपने फिल्मी करियर में वैजयंती माला का नाम कई बड़े एक्टर्स से जुड़ा, पर शादी उन्होंने उनके निमोनिया का इलाज कर रहे डॉक्टर चमन लाल बाली से ही की। तो चलिए आज सुपरस्टार के लिए हम कुछ दिलचस्प बातें करते हैं। वैजयंती माला का जन्म 13 अगस्त 1936 को लयंगर ब्राह्मण फैमिली में हुआ था। उनकी फैमिली मद्रास में रहती थी। उनके पिता एमजी रमन और माँ वसुंधरा देवी थी। वैजयंती माला का जन्म हुआ था तब उनकी माँ वसुंधरा देवी तमिल सिनेमा की मशहूर एक्ट्रेस थी, जिनकी मंगामा सबथम तमिल सिनेमा की पहली सुपरहिट फिल्म थी। ऐसे में उनके माता पिता के पास कम समय होने के चलते उनका पालन पोषण उनकी दादी यदुगिरी देवी ने किया। वैजयंती माला को उनके परिवार ने 4 साल की उम्र से ही डांस सिखाना शुरू कर दिया था, जिसके चलते एक समय बाद वैजयंती कथक, कुचिपुड़ी और उड़िया जैसे कई डांस परफॉर्मेंस में महारत हासिल कर चुकी थी। डांस परफॉर्मेंस देख प्रोड्यूसर एमवी रमन ने फिल्म में उनको अवसर दिया। एक दिन वैजयंती माला चेन्नई गोखले हॉल में भरतनाट्यम की परफॉर्मेंस दे रही थी। इस दौरान प्रोड्यूसर एमवी रमन की नजर उन पर पड़ी। तभी एमवी रमन ने मन बना लिया कि उनकी अगली फिल्म की एक्ट्रेस वैजयंती माला ही होगी। एमवी रमन ने ये बात वैजयंती के पेरेंट्स को बताई तो वो मान गए, पर उनकी दादी ने वैजयंती माला को एक्ट्रेस बनने से सख्त मना कर दिया। दरअसल उस वक्त उनकी उम्र महज 13 साल की थी। ऐसे में उनकी दादी को लगा कि उनकी पढ़ाई और डांस फिल्में करने से इफेक्ट होने लगेगा। जब उनकी दादी को प्रोड्यूसर और वैजयंती माला के पेरेंट्स ने मनाया तो वो भी मान गई। इस तरह वैजयंती माला की पहली तमिल फिल्म वड़कई थी। इस फिल्म को खासा पसंद किया गया। फिर जब इसे हिंदी में बनाया गया तो उसमें भी वैजयंती को ही कास्ट किया गया। इस तरह 1951 में फिल्म बहार से उनकी बॉलीवुड में एंट्री हो गई। वैजयंती माला को उनके परफॉर्म किए गए गीतों से खूब सक्सेस मिली। जब उन्होंने फिल्म नागिन में मन डोले मेरा तन डोले परफॉर्म किया तो ये गाना सुपर हिट रहा। इस गीत ने उन्हें नेशनल अवार्ड का स्टार बना दिया। ये फिल्म 1954 की हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्म बन गई। इसके बाद उनके परफॉर्म किए होठों पे ऐसी बात, बहारो फूल बरसाओ, उड़े जब जब जुल्फे तेरी, मैं का करूँ राम मुझे बुढ़ा मिल गया जैसे गाने जबरदस्त पॉपुलर हुए। ये गीत आज भी लोगों की जुबान पर बसे हुए हैं। इन गीतों ने वैजयंती माला को नेशनल स्टार बना दिया। वैजयंती ऐसी पहली साउथ एक्ट्रेस थी जो नेशनल स्टार बनी थी। वैजयंती माला 50 से 60 तक के दशक की टॉप एक्ट्रेस बन चुकी थी। उनकी एक्टिंग और उनकी फिल्मों में डांस परफॉर्मेंस को खासा पसंद किया जाता था। उन्हें हर बड़े हीरो के अपोजिट कास्ट किया जाता था। फिल्मों के लिए डायरेक्टर्स उन्हें मुंह मांगी फीस भी देने को तैयार थे। उनकी देवदास, संगम, साधना, मधुमती जैसी फिल्में कल्ट सिनेमा मानी जाती थी। जब सभी एक्ट्रेस ने चंद्रमुखी का रोल करने से किया मना तब इसे वैजयंती माला ने किया। फिल्म देवदास के लिए डायरेक्टर बिमल रॉय को एक्ट्रेस की तलाश थी जिसमें चंद्रमुखी एक वैश्या होती है। ऐसे में इस रोल को करने के लिए नरगिस बीना रॉय जैसी एक्ट्रेस मना कर चुकी थी। फिर जब बिमल रॉय ने इस फिल्म में मीना कुमारी को लेने का सोचा तो वो मीना कुमारी की फीस
अफोर्ड नहीं कर पाए। तब जाकर इस फिल्म के लिए वैजयंती माला को कास्ट किया गया। उस समय वैजयंती माला की 5 फिल्में फ्लॉप हुई थी, ऐसे में उन्हें एक बेहतरीन फिल्म की तलाश भी थी जो उन्हें देवदास लगी। फिर जब ये फिल्म रिलीज हुई तो जबरदस्त हिट साबित हुई। देवदास के लिए उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड मिला लेकिन उन्होंने ठुकराया। फिल्म देवदास में वैजयंती माला की एक्टिंग को अच्छा खासा सराहा गया। इस फिल्म के लिए उन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस के फिल्म फेयर अवार्ड से भी सम्मानित किया गया, लेकिन इस अवार्ड को उन्होंने ये कहकर ठुकरा दिया कि देवदास में जितनी पारो जरूरी थी उतनी ही चंद्रमुखी भी, इसलिए मुझे इस फिल्म के लिए बेस्ट लीड एक्ट्रेस का अवार्ड दिया जाना चाहिए न कि सपोर्टिंग एक्ट्रेस का। वैजयंती माला ने दिलीप कुमार के साथ भी कई फिल्मों में काम किया, ऐसे में उनका नाम दिलीप कुमार से भी जुड़ने लगा। दिलीप फिल्मों में ज्यादातर उनके कपड़ों से मैच करती ड्रेस पहना करते थे, जिससे इस बात को और भी ज्यादा हवा मिली। वैजयंती माला एक बेहतरीन अदाकारा थी और मंझी हुई अभिनेत्री थी जिनकी फिल्में यादगार रही हैं, जिनमें से संघर्ष भी एक मुख्य फिल्म है। तो इसी के साथ हम लेंगे अनुमति। बॉलीवुड की दिलचस्प खबरें जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए नमस्कार।